इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एलएस एंड जेजे कपलिंग। एलएस एंड जेजे कपलिंग में कंपैरिजन, आइए समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैमिल्टोनियन, किसी भी सिस्टम के लिए या न्यूक्लियस के लिए हैमिल्टोनियन होता है एडिशन ऑफ द हैमिल्टोनियंस, सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन हैमिल्टोनियन, रेसिड्यूअल हैमिल्टोनियन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन एंड अदर फील्ड्स हैमिल्टोनियन, ये सिस्टम का हैमिल्टोनियन होता है। अब बात करते हैं एलएस कपलिंग के लिए, तो एलएस कपलिंग के लिए एच रेसिड्यूअल ग्रेटर होता है, बड़ा होता है एच स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन से, तो इसलिए इस इक्वेशन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, एच स्पिन ऑर्बिट को नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब एलएस कपलिंग के लिए हैमिल्टोनियन होता है एच इज इक्वल्स टू एच सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन प्लस एच रेसिड्यूअल। हमारे पास में ये कंप्लीट हैमिल्टोनियन आ गया एलएस कपलिंग के लिए। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो वो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम का सम होता है। वैसे ही बात करते हैं स्पिन मोमेंटम की, तो सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोमेंटम का एडिशन होता है। तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है जे इक्वल्स टू एल प्लस एस। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। एस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, और ये टोटल आ जाता है। एलएस कपलिंग एप्लीकेबल होती है फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई यानी कि जो न्यूक्लियस लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, उसी के लिए एलएस कपलिंग एप्लीकेबल अच्छी होती है। बात करते हैं जेजे कपलिंग, तो जेजे कपलिंग के लिए एच रेसिड्यूअल लेस होता है एस इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के लिए। तो यहां पर क्या होता है, जो हैमिल्टोनियन होता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का वो बड़ा होता है रेसिड्यूअल हैमिल्टोनियन से। इस सिचुएशन में जेजे कपलिंग के लिए एच आता है सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन प्लस एच स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। आप यहां पर देख सकते हैं एलएस कपलिंग में एच रेसिड्यूअल था, ये तो दोनों में कॉमन रहता है सेंट्रल फील्ड, लेकिन यहां पर क्या गया स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन, जिसकी वजह से यहां पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो समेशन होता है जे आई का, और जे आई क्या होता है, तो जे आई होता है एल प्लस एस प्लस माइनस एस, यानी कि अब सिंगल इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के बाद में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, जबकि यहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, टोटल स्पिन मोमेंटम निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, जबकि यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद ऐड करते हैं। इसलिए जेजे कपलिंग एप्लीकेबल होती है फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, हाई हैवियर न्यूक्लियाई जिसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है ज्यादा होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ज्यादा होता है, इसी के लिए वैलिड होती है जेजे कपलिंग। थैंक यू।